नमस्कार दोस्तों, राजधानी का धरना स्थल इको गार्डन आज फिर एक बार गुलजार है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से हजारों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं यहां पहुंचे हैं। प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली, लेकिन इसके साथ साथ चार सूत्रीय मांगे और भी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे की आवाज़ पर ये हजारों शिक्षक आज यहाँ इको गार्डन में जमा हुए हैं। और ये भी कहा गया कि पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा और इसके बाद दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आइए, जो अलग अलग जनपदों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इन मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी पेंशन कर्मचारी और शिक्षकों की जो ली गई है, वो शिक्षकों को और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, किसी को और दे दी जाए, बहुत कुछ दे दी जाए, मुझको कोई ज़रूरत नहीं। मैं किसी को रोकने पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझको जो मिल रहा था उसको मिलनी चाहिए, मैं क्योंकि हमारा हक था और हमारा हक था 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारी शिक्षकों के को और 2005 एक अप्रैल के बाद प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों को मिला। मुझे मिलनी चाहिए, किसी को मिले या न मिले हमको मिल रही थी। मैं इस मामले में स्पष्ट मत है कि मिलनी चाहिए, कर्मचारी हमको मिलता रहा, वो मिलना चाहिए और जब तक नहीं इसकी घोषणा होगी और जब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी, मैं सोनभद्र से आया हूँ। मैं योगेश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश संगठन मंत्री और जिलाध्यक्ष सोनभद्र हूँ। और हम सभी लोग, हमारे साथी आए हैं सोनभद्र से। पुरानी पेंशन सहित चार प्रमुख जो मांग रखी गई है, इसमें पुरानी पेंशन प्रमुख मांग है। इसके लिए हम लोगों ने, ये चौथे चरण का हमारा धरना प्रदर्शन है। प्रथम चरण में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, द्वितीय चरण में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए राष्ट्रपति महोदय और महोदया और प्रधानमंत्री जी को दिया, सौंपा। तृतीय चरण में हम लोगों ने जिले स्तर पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये चौथे चरण का उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जो धरना है एक दिवसीय, इसमें हम लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आए हैं कि जो हमारी वास्तविक मांग है, जो हमारी जायज मांग है, उसको सरकार क्यों नहीं दे रही है, जबकि कई 4 से 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है और इसको बहाल करना है, न कि इसमें कोई नया संशोधन करना है। एनपीएस जो चल रहा है, जो बार बार सरकार बताती है कि एनपीएस बहुत अच्छा है, अगर बहुत अच्छा है तो एनपीएस को सांसद विधायक क्यों नहीं लेते हैं। और पुरानी पेंशन जो हमारी मांग है, ये हमारा मूल अधिकार है, ये कहीं कोई देता नहीं है, ये मेरा मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और जिसे सरकार को लौटाना ही पड़ेगा। अगर इस एक दिवसीय आयोजन के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या आंदोलन होगा, क्या रणनीति? देखिए, ये आंदोलन जो हम लोगों का चल रहा है, ये देशव्यापी आंदोलन है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जो एक आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। आज के डेट में 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में हर प्रदेश में ये एक दिवसीय धरना चल रहा है और जनवरी के लास्ट वीक में ये हम लोगों का आंदोलन बृहद रूप में चलेगा, दिल्ली में चलेगा, जंतर मंतर पर चलेगा और सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगी तो ये, चूंकि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन से बिलोंग करता है, जिसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय रामपाल सिंह जी हैं। अगर ये मुद्दा नहीं माना जाएगा तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। मैं सुधाराज सिंह, जिलाध्यक्ष जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यहाँ बस द्वारा प्रस्थान कर धरने में सुबह उपस्थित हुआ हूँ। यह धरना हमारा अखिल भारतीय शिक्षक संघ के आह्वान पर यहाँ इको गार्डन आयोजित किया गया है। चार सूत्रें हमारी मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग पुरानी पेंशन को बहाल करना की है कि पुरानी पेंशन जैसे विधायक सांसदों को दी जा रही है तो इसी तरह अध्यापकों को भी दी जाए। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसको लेकर निरंतर शिक्षक संघ आंदोलन करते आए हैं और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और इसमें हमारी ये और मुख्य मांगे हैं, शिक्षा में अनुदेशकों का नियमितीकरण करना, उनका मानदेय बढ़ाना, इससे संबंधित भी हैं और भारी संख्या में यहाँ शिक्षक उपस्थित हुए हैं। ये हमारी प्रमुख मांग है। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बिजनौर, आज के जो 2005 से पुरानी पेंशन बंद हुई है और आज जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन में प्रयासरत हैं, आए हुए हैं जनपद बिजनौर से, वो सिर्फ इसीलिए कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए और जो हमारे शिक्षा मित्रों और देशक भाई बंधु हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उन्हें नियमित किया जाए।